subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Good morning, everyone. Our law of motion for second part का mention करने जा रहे हैं. कल तक मैंने ये बोला था force का type है कितनी तरह की होती है ये सब mention कर रहा था. उसके बाद आज मैं ये देख रहा हूँ कि फोर्स से थोड़ा सा इस पर रिसर्च किए थे मोस्ट प्रोबेबली जो न्यूटन का बहुत ज़्यादा रिसर्च है इसमें. तो ये फोर्स और बॉडी की जो मास है उसके बीच जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रही है इन्होंने बहुत सारा लॉ ऑफ मोशन न्यूटन के बारे में बताया था. तो इसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या इसी का दूसरा नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोले या न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसको हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ के नाम से भी जानते हैं या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. तो इन्होंने क्या किया था कि मोशन यदि कोई ऑब्जेक्ट करेगा, समझ लीजिए कोई ऑब्जेक्ट एक्स है ये मूव करेगा, मूव करने के लिए क्या कौन कौन सा फैक्टर इसमें अप्लाई होगी. तो एक फैक्टर होगा इसमें फोर्स. पहला फैक्टर क्या होगा? फोर्स. कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसके लिए पहला फैक्टर होगा फोर्स. सेकेंड होगा मास. और फोर्स और मास यदि हो गया तो इसमें एक्सेलरेशन, पहले मैंने बहुत सारा बताया था इसमें एक्सेलरेशन हो जाएगा. तो ये जो इसके बीच में रिलेशन दिया फोर्स, फोर्स और ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है ऑब्वियसली इसके बीच में मास भी कंसीडर किया जाएगा. तो इन्हीं के बीच में रिलेशन के बारे में पूरी टॉपिक्स बताया गया है. यदि हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट पे क्या क्या चेंजिंग आएगी, किस कंडीशन में चेंजिंग आएगी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में मेंशन किया गया. अच्छा एक चीज और, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक और नाम है दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया. अब हम टॉपिक बाय टॉपिक चल रहे हैं. अभी तक मैंने क्या बोला, कोई ऑब्जेक्ट है मोशन में आएगा, मोशन में आएगा इसके लिए क्या क्या फैक्टर है, पहला फोर्स होनी चाहिए उसमें, दूसरी बात ऑब्जेक्ट की मास, उनके बीच में रिलेशन है. तो इसमें बताया गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ए बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट. यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो अपना कंडीशन में क्या करेगा, रेस्ट में ही बना के रखेगा. यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही बना के रखेगा. कब तक? तो बोलता ये तब तक बना रहता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको आके अपोज ना करे, उसको रोके ना, रेसिस्ट ना करे. ठीक है, अब यहां पे समझिए, यदि मेरा एक्स है, एक्स यहां पर रुका हुआ है और सपोज दैट वाई जो है, ऑब्जेक्ट वाई जो है मूव कर रहा है, तो एक्स यहां पे रेस्ट कंडीशन में है और वाई जो है यहां पे मूव कर रहा है. ठीक है, ये अपना इसकी एक इनिशियल कंडीशन है इनकी, ये रेस्ट में है तो मूव कर रहा है. तो ये ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा तब तक जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई ना हो जाए. ये रेस्ट में बना रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको अपनी कंडीशन को चेंज ना करे. अब देखिए यहां पे मैंने अभी एक वर्ड बोला था मास, मास से बिलोंग करता है दोनों की केस में. कैसे बिलोंग करता है ये देखेंगे. यदि सपोज दैट कोई बड़ा कुर्सी है हमारा, उसका वेट मान लिया जाए 10 kg. यदि कोई 2 साल का बच्चा यदि इस कुर्सी को हटाना चाहे क्या ये मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेगा. अनबैलेंस फोर्स क्या करता है? तो अनबैलेंस फोर्स इसकी जितनी इनिशियल मासेस होगी उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा. यदि कोई मान लिया जाए एफ इसमें अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स एफ है उसका नाम हमने डाला, तो इसमें जो इंटरनल फोर्सेज या मासेज होगी उससे ये एफ की मासेज बड़ा होगा, एफ की वैल्यू बड़ी होगी किसके, तो इसके इंटरनल मासेज से ज्यादा, तब ये मूव करेगी, अपनी कंडीशन को चेंज करेगा. इस केस में वाई मूव कर रहा है जब तक कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन से यहां पे कोई ऐसा फोर्स अप्लाई हो, मान लीजिए ये F1 है,
F1 की वैल्यू जो है इतनी बड़ी होनी चाहिए कि y को रेसिस्ट करे, रोक अपोज कर सके इसकी मूवमेंट को। तो इस तरह की मोशन को जो चेंज कर रहा है, मोशन इसे यहां पे रेस्ट में है तो इसको चेंज करेगा, ये मोशन में है इसकी कंडीशन को चेंज करेगा। चेंज करने के लिए क्या फैक्टर हमने देखा, फोर्स। फोर्स जो होता है वो कभी भी इस पे अप्लाई करेंगे और उसकी मासेस इससे ज्यादा होनी चाहिए, इसकी वैल्यूज ज्यादा होनी चाहिए। और इस जो वैल्यू ज्यादा होगा या कम होगा, मैंने कल पिछले वीडियो में एक बताया था अनबैलेंस फोर्स के बारे में, तो एफ क्या होगी, अनबैलेंस होगी। अनबैलेंस में भी कम नहीं होनी चाहिए, इसकी इंटरनल मासेस से ज्यादा होनी चाहिए। यहां भी ये जो y को रोकेगा, y को रोकने के लिए एक्सटर्नल फोर्स जो होगा या अनबैलेंस फोर्स जो होगी वो क्या होगी, इसकी वैल्यू मोस्ट प्रोबेबली से ज्यादा बड़ा होगा, तभी वो रोक सकता है। इसी चीज को न्यूटन का स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग देखेंगे। बोलता है ए बॉडी एट रेस्ट, कोई बॉडी यदि रुका हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, विल रिमेन एट रेस्ट, वो रुका ही रहेगा। एंड यदि कोई बॉडी मोशन में है, रिमेन कंटिन्यू इन मोशन, वो मोशन ही बनाए रहेगा, उसी कंडीशन को फॉलो करेगा जब तक कि इन स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यदि मोशन रहे तो स्पीड मेंटेन कर रहेगा, until या unless some external force, it means that is a unbalanced force मतलब F की वैल्यू कभी भी इसकी जो इंटरनल मासेस है उससे ज्यादा होनी चाहिए, उससे ज्यादा होता है is applied to change the state of rest or motion। तो यहां पे क्या देखा हमने कि कोई अनबैलेंस फोर्स यदि इसकी मा ऑब्जेक्ट को कंडीशन को ना चेंज करे तब तक ये अपनी कंडीशन को बना के रखता है। अब ये जैसे कुछ बच्चे पूछे थे हमें कि सर ये गाड़ी चल रहा है इसमें कहां कोई ऑपोजिशन फोर्स लग रहा है, तो लगता है यहाँ पे क्या होता है दो तरह की, मैंने कल पिछले वीडियो में एक चीज और बताया था मैंने, यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये क्या होगा, यहाँ से टच कर रहा है इस पोर्शन को, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, हमने अप्लाइड फोर्स यहाँ पे लगाया, अप्लाइड फोर्स लगाया तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और इसके नीचे की तरह ग्रेविटी फोर्स लगती है, ग्रेविटी फोर्स लग रही है, और इसके नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन लग रही है। तो एक ऑब्जेक्ट यदि है मूव कर रहा है अप्लाइड फोर्स, इट मीन दैट इज अ अनबैलेंस फोर्स, अप्लाइड फोर्स इट मीन दैट इज अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इट मीन अप्लाइड फोर्स क्या है, अनबैलेंस फोर्स है। इक्वल फोर्स होता तो क्या होता, मूव करता नहीं होता, कोई चेंज नहीं होगा। यदि इक्वल होगा तो कोई अप्लाइड फोर्स यदि इक्वल होगी इसकी तो ये चेंजिंग नहीं लाएगा। तो अनबैलेंस फोर्स इज एयर मतलब अप्लाइड फोर्स ऑलवेज जो होगा इसकी वैल्यू से ग्रेटर होगी, तभी वो अनबैलेंस फोर्स इस पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट मूव करेगी, मूव कर रहे हैं तो जिस पार्ट में ये मूव कर रहा है उस पार्ट में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा, और नीचे की तरफ इसलिए है ताकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का जो सेंटर की तरफ जो घींच रहा है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ग्रेविटी की वजह से क्या है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, नहीं होता तो ऊपर आसमान में उड़ते। ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट क्या होता, नीचे की तरफ होता, नॉर्मल फोर्स यो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मूव करता है। तो यहां भी बहुत सारी फोर्स अप्लाई हो रही है, तो कोई यदि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स फैक्टर हो गई, फ्रिक्शन फोर्स फैक्टर हो गई, और नॉर्मल फोर्स भी एक फैक्टर हो गई। तो यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स ये सब भी फैक्टर हो जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स। इसीलिए रोड जो बनाया जाता है तो वो स्मूथ होना चाहिए, वो काफी चिकना होगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी, मिनिमम होगी। इसलिए अच्छे रोड जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्मूथनेस उसको बहुत ज्यादा होता है, यही एक फैक्टर है। तो कोई यदि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो अब आप बोलोगे कि उसमें कितनी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स। तो एक ऑब्जेक्ट पे यदि हम अप्लाइड फोर्स करते हैं तो इतनी सारी फोर्सेस लगती हैं। अब आइए यदि हम अप्लाइड रेस्ट में रहेगा तो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट तो मूव कर नहीं रही है, मूव नहीं करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे अप्लाई होगा, नहीं हो पाएगा।
नॉर्मल फोर्स वो भी अप्लाई नहीं होगा, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। ये थोड़ा इसके रिस्पेक्ट से बताना जरूरी था कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वहां पे कैसे फोर्स अप्लाई हो रही है, अदर एक्सटर्नल फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे तीन तरह की फोर्स मैंने बताया, अप्लाइड फोर्स अप्लाई करते हैं तो तीन फोर्स लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लोअरवर्ड डायरेक्शन में लगती है और फ्रिक्शन फोर्स जब कॉन्टेक्ट होते हैं तो उनकी सरफेस पे लगती है। तो अधिवेश में होगा तो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, ये दोनों फोर्स नहीं अप्लाई होगी। तो बोलता इसीलिए बोला यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है अपनी कंडीशन को बना के रखेगा जब तक मोशन में है तो मोशन में, रेस्ट में है तो रेस्ट में, जब तक कि उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो, एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस फोर्स जब तक उस पर अप्लाई ना हो। इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसी को दूसरे वर्ड में आपको पूछा जाता है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया के रूप में। अब फर्स्ट लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, जब आप बुक खोलोगे एनसीईआरटी उसमें लिखा हुआ है लॉ ऑफ इनर्शिया, तो लॉ ऑफ इनर्शिया लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ही कहा जाता है। इसमें भी यही चीज लिखा हुआ है, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ एन बॉडी ड्यू टू विच इट रेसिस्ट इट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपनी कंडीशन को रेस्ट या मोशन में बनाकर रखता है। लॉ इनर्शिया क्या होता है, वो एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट अपनी कंडीशन को उसी स्टेट में बनाकर रखना चाहता है। यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में बनाकर रखना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में बनाकर रखना चाहेगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया इज द इनहेरिट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट का इनहेरिट मतलब उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी इनहेरिट प्रॉपर्टी होता है। इनहेरिट प्रॉपर्टी मतलब जो हमारे फोर फादर से हम लोग गेन करते हैं, दैट इज द इनहेरिट प्रॉपर्टी। तो ऑब्जेक्ट का भी इनहेरिट प्रॉपर्टी है कि यदि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन का कंडीशन बनाकर रखेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट की कंडीशन को फॉलो करेगा। हम ये इनहेरिट प्रॉपर्टी हो गई, इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, अनबैलेंस फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहां पे लॉ इनर्शिया को यदि हम देखेंगे, एक्चुअली इतने बुक में नहीं है, इसकी एग्जांपल्स हैं। यदि हम इसको कैटेगराइज करना चाहें इनर्शिया क्या है, तो इनर्शिया हो गया कि एक तो हो गया रेस्ट में है ऑब्जेक्ट तो रेस्ट कंडीशन को होल्ड करेगा, एक मोशन में है तो अपनी कंडीशन को मोशन में ही बनाकर रखना पड़ेगा। यानी कि दो कंडीशन हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पे, एक टेंडेंसी है रेस्ट बनाकर रखने का, एक टेंडेंसी है मोशन में रखने का। तो इनर्शिया को हम लोग दो कैटेगराइज करेंगे, फर्स्ट टर्म इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड सेकेंड टर्म इनर्शिया ऑफ मोशन। ये मैं क्यों किया, तो ये इससे करने की वजह क्या है कि बच्चों को जो रीजन पूछे जाते हैं इसमें तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है और इनर्शिया ऑफ मोशन वो इनहेरिट प्रॉपर्टी के कारण वो मोशन में है, वो इनहेरिट प्रॉपर्टी के कारण वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसका मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहा, इनर्शिया बोला रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, इसीलिए मैंने दो कैटेगराइज किया इसका। पहला बोलता है रेस्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसका मतलब क्या है, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, वो प्रॉपर्टी वो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी जिसके कारण यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यदि हमने अप्लाई कर दिया अनबैलेंस फोर्स तो क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। इसकी जैसे आप इसे सोचो, जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक जब खोलोगे तो उसमें लिखा हुआ है एक कप है, ग्लास है, ग्लास के ऊपर में कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड पे कोई सिक्का रखा हुआ है, क्वाइन रखे हुए या कोई हैवी चीज डाल दो उसमें। तो अब यदि हम कार्डबोर्ड को मारेंगे तो सिक्का क्या होगा, ग्लास के अंदर में आ जाएगा, कार्डबोर्ड बाहर जाएगा और सिक्के क्या होंगे, ग्लास के अंदर में ड्रॉप हो जाएंगे।
जबकि वहां पे क्या होना चाहिए था, यदि कार्डबोर्ड को मैंने कस के मारा तो कार्डबोर्ड के साथ सिक्का भी बाहर चला जाना चाहिए, नहीं होगा। क्यों? कार्डबोर्ड को तो मैंने मारा तो वो मोशन में आ गया, लेकिन उसके ऊपर में रखा हुआ है वो सिक्का या कोई हैवी चीज, तो वो क्या, वो उसके साथ मोशन में नहीं आने की वजह से वो उसके नीचे में ड्रॉप होता है। अब देखो दूसरा एग्जांपल ले लो, कपड़े कभी साफ किए हो, कंबल या कोई हैवी क्लोथ होती है तो उसको हम लोग हाथ से साफ करना इम्पॉसिबल होता है, तब हम लोग क्या करते हैं उसको, हम लोग डंडे लाते हैं ना, डंडा लाया और दे दना दे उसको मारना शुरू किया। क्यों मारते हैं? ऐसे थोड़ी है ताकत अजमाते हैं, ताकत ही अजमाते हैं ना। उसमें होता क्या है कि जैसे ही उसको हमने मारे तो जिस पोर्शन में मारे वो पार्ट क्या है, अभी तो कमल विशेष वो दैट कमल रखा हुआ है और इसके ऊपर से हमने इसमें मारा डंडा स्टिक समझ लो, इसको हमने ऐसे मारा तो ये कमल अभी किस कंडीशन में है, रेस्ट में है। और जैसे ही हमने इस पे डंडा लगाया तो ये जहां पर लगा वो क्या हो गया, वो पोर्शन मोशन में आ गए, तो इसके कारण वो कमल तो मोशन में आ गई लेकिन उसकी जो डस्ट पार्टिकल है वो किस कंडीशन में फॉलो कर रहा था, रेस्ट को, तो जिसके कारण क्या होगा कमल तो मोशन आया, मोशन में आ गया, जो डस्ट पार्टिकल है वो रेस्ट में था, जिसके कारण क्या हुआ वो उससे बाहर गया। इसलिए मार डंडा, मार डंडा से सफाई करते, फाड़ मत देना, इसलिए मार डंडा से हम लोग क्या करते हैं जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल है, बहुत सारे हैं इसके बारे में देख लेना। तो यहाँ पे क्या होता है, इससे पहला क्वेश्चन हो गया कि ग्लास के ऊपर में कार्डबोर्ड कप या कोई क्वाइन रखा हुआ है, हैवी हैवी चीज रखा हुआ तो क्या होता है वो कार्डबोर्ड के साथ मोशन में नहीं आया, नीचे क्यों ड्रॉप कर गया, तो आपको ज्यादा नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्सिया ऑफ रेस्ट, दिस प्रॉपर्टी ऑफ इनर्सिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि वहां पे ये मेंशन कर दोगे और बता दोगे तो क्वाइन या कोई हैवी ऑब्जेक्ट जो था वो रेस्ट इनर्सिया ऑफ रेस्ट को प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा था, कार्डबोर्ड तो मोशन में आ गया जिसकी वजह से जो क्वाइन था वो नीचे ड्रॉप हो गई, वो उसके साथ मोशन में नहीं आया। फिर मैंने भी लिखा इनर्सिया ऑफ मोशन, इनर्सिया ऑफ मोशन का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो वो उसकी टेंडेंसी होगी ऑब्जेक्ट की कि वो उसी कंडीशन को मोशन में बना कर रखेगा, उसको हम लोग बोलते हैं इनर्सिया ऑफ मोशन। अब इनर्सिया ऑफ मोशन है क्या, समझिए, यदि कोई इसे आप लोग फील किए होंगे ना कभी कभी, अब देखो यदि हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं गाड़ी में, तो हम नॉर्मल है, कभी गाड़ी को किसी कारण बस ब्रेक मारना पड़े तो क्या होता, हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो ये हमारे शरीर का मूवमेंट चेंज होती है और हमें एक झटका लगता है, ऐसा क्यों हुआ, तो वहां पे लॉ ऑफ मोशन की वजह से क्या हुआ कि जैसे ही गाड़ी चला हमारे पांव हमारे शरीर सब वो गाड़ी के मोशन की वजह से हमारे शरीर में भी मोशन आ गई, तो हमारे शरीर जो है उस मोशन को बना के रखना चाहता है, लेकिन जैसे ही हमने ब्रेक मारा, बस ने ब्रेक मारा तो हमारा क्या हुआ वो इनर्सिया ऑफ मोशन जो है उस प्रॉपर्टी में क्या हुआ बाधा है, ठीक है, उसको ब्रेक हुआ लॉ ऑफ मोशन को, इनर्सिया ऑफ मोशन को ब्रेक होने की वजह से हमें वो झटका जो लगा वो इनर्सिया ऑफ मोशन की वजह से लगा। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसीलिए जब भी हम लोग कार चलाते हैं या कुछ तो सीट बेल्ट जो बांधने की प्रोसेस है इसी की वजह से होती है, इनर्सिया ऑफ मोशन की वजह से, यदि हम नहीं बांधे तो क्या होगा, गाड़ी कार चल रही है आगे की सीट में बैठे या पीछे की सीट में भी बांधने का रूल है, तो क्या होगा यदि किसी कारणवश हम ब्रेक मारना पड़ा कार को, बस कार को, तो क्या होगा कि जो आगे बैठा हुआ उसका सर क्या होगा आगे से लोहे हो गया किसी ऑब्जेक्ट से उसे टकरा जाएगा, ड्राइवर तो अपना स्ट्रेंथ है लेकिन जो बगल में बैठने वाले या पीछे में बैठने वाले हैं उनके सर में चोट लगता है और काफी डेंजर होता है ना सर में चोट, इसलिए लॉ है कि सीट बेल्ट आपको बांधना ही बांधना है, यदि आप कार या कार के आगे में, इंडिया में तो आगे में बैठने का रूल है लेकिन बाहर जो जाओगे तो पीछे भी सीट बेल्ट बांधने का लॉ बनाया गया है और उसकी वजह है इनर्सिया ऑफ मोशन की वजह से, ठीक है। आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में हम मूवमेंट के बारे में बात करेंगे।